गाइस, क्या आप लोग भी मेरी तरह मैजिक क्यूब जमा करके रखा है? आप लोगों ने अपना मैजिक क्यूब से कोई भी बंडल एक्सचेंज नहीं किया है? आप लोग भी नए बंडल्स आने का वेट कर रहे हो, अच्छे बंडल्स आने का वेट कर रहे हो, तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारे गेम के अंदर कौन से न्यू मैजिक क्यूब के अंदर बंडल्स आएंगे और वो कब आएंगे, वो सब बताऊँगा। इसलिए पूरा का पूरा वीडियो एंड तक देखना। सबसे पहले बात कर रहे थे 2 नाइट अपडेट के बारे में, तो गाइस हमें 2 नाइट एक ट्रैप ग्लूअल की स्किन देखने को मिलेगी हमारे इन गेम के अंदर रात के 12 बजे। काफ़ी तगड़ी एनिमेटेड ग्लूअल की स्किन देखने को मिलेगी लॉक वाले इवेंट के अंदर। ये लॉक वाला इवेंट हमारे गेम के अंदर पहले भी आ चुका है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि इसकी स्टार्टिंग प्राइस 9 डायमंड होती है, 19 आगे आगे बढ़ के 3 डबल 9 तक पहुंच जाती है। तो गाइस शायद से ये हमें 3 डबल 9 के अंदर ही लास्ट में मिलेगी और ये काफ़ी तगड़ी ग्लोअल की स्किन है। आप लोग निकाल सकते हो अगर आपके पास कोई अच्छी ग्लोअल की स्किन ना हो तो। इसके अंदर हमें काफ़ी और भी रिवॉर्ड्स देखने को मिलेंगे, वाउचर्स, बैकपैक की स्किन, फ्रेगमेंट्स जैसे गन के क्रेट्स, काफ़ी ज़रा अच्छे से रिवॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो उसके बाद गाइस आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे आगे के अपडेट के बारे में। तो गाइस उसके बाद हमें एक वीकली शेड्यूल देखने को मिलेगा हमारे 6th एनिवर्सरी थीम बेस्ट ऊपर। 7 से 19 जुलाई तक हमें एक टोपी की स्किन देखने को मिलेगी, पैराशूट की स्किन देखने को मिलेगी, बाइक की लेजेंडरी स्किन देखने को मिलेगी फ्री में। आप लोगों को ये वाली सभी स्किन फ्री में मिलेगी। उसके बाद हम लोगों को एक म्यूज़िक की सीढ़ी देखने को मिलेगी, दो म्यूज़िक की सीढ़ियाँ हमें मिलेगी। उसके बाद आप लोगों को एक क्रेट देखने को मिलेगा जिसके अंदर डायमंड्स है और काफ़ी ज़्यादा वाउचर्स, और हमें गोल्ड देखने को मिलेगा 8000 या बहुत सारे गोल्ड देखने को मिलेगा उसके अंदर। अब लोगों को डायमंड निकलने के भी काफ़ी कम चांसेस है, पर डायमंड आपको काफ़ी कम चांसेस है कि डायमंड आप लोगों को निकले, ज़्यादातर आपको कोई घटिया चीज़ दिखने को मिलेगी। उसके बाद गाइस हम लोगों को एक इमोट देखने को मिलेगा 9 से 12 जुलाई के अंदर, हमें तगड़ा सा इमोट देखने को मिलेगा। हमें ये वाला इमोट बिल्कुल भी फ्री में 9 से 12 जुलाई के अंदर कोई से भी इवेंट के अंदर बिल्कुल फ्री में मिलेगा, गिरिधा ने खुद कंफर्म किया। उसके बाद 7 से 20 जुलाई तक हमें फिश फाइट और 7 से 13 जुलाई के अंदर कलर हाइड एंड सीक नाम के न्यू मोड्स देखने को मिलेगा। शायद से ये वाला इमोट भी इसी इवेंट के ऊपर बेस्ट रहेगा। उसके बाद गाइस हमें हमारे मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर नए नए बंडल्स देखने को मिलेंगे, हमें एवर ग्रीन का बंडल यहाँ पे देखने को मिलेगा। गाइस ये हमारे इंडियन सर्वर पे तो पहले नहीं आया था, उसका ही फीमेल बंडल हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद हमें तगड़ा सा बंडल देखने को मिलेगा, ये वाला रेड डॉक्टर रेड बंडल, तो ये काफ़ी तगड़ा बंडल है, आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। उसका ही फीमेल बंडल हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद गाइस हमें ये वाला तगड़ा सा बंडल देखने को मिलेगा, शायद से ये वाला बंडल हमारे गेम के अंदर इंडियन सर्वर के अंदर नहीं आएगा, पर हो भी सकता है आ भी जाए ये वाला बंडल। उसके बाद गाइस हम लोगों को इसका फीमेल का बंडल देखने को मिलेगा, एक फीमेल का तगड़ा सा बंडल देखने को मिलेगा। उसके बाद हमें ये काफ़ी तगड़ा बंडल है, उसके बाद इसी का ही मेल बंडल देखने को मिलेगा हमें, जो कि काफ़ी तगड़ा बंडल है। उसके बाद हमें ये मेल का बंडल देखने को मिलेगा, ये काफ़ी अच्छा बंडल है, आप लोग इसको एक्सचेंज कर सकते हो। इसका फीमेल बंडल देखने को मिलेगा, पर फीमेल बंडल लोग आजकल कम ही निकालते हैं। उसके बाद गाइस हम लोगों को ये वाला बंडल देखने को मिलेगा वाइट कलर का लॉर्ड बंडल, तो ये वाला काफ़ी तगड़ा बंडल है, आप लोग भी इसे निकाल सकते हो, पर मुझे इतना खास पसंद नहीं आया। उसके बाद इसी बंडल का हमें फीमेल बंडल देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी सारे बंदे निकालना पसंद करेंगे। तो उसके बाद गाइस हम लोगों को एक तगड़ा सा मेल बंडल देखने को मिलेगा, और ये वाला बंडल हमें हमारे इंडियन सर्वर के अंदर डायमंड रॉयल के अंदर देखने को मिला था। इसका ही हमें फीमेल बंडल भी देखने को मिला था हमारे इंडियन सर्वर के डायमंड रॉयल के अंदर, तो शायद काफ़ी सारे बंदों के पास ये बंडल ज़रूर होगा। तो उसके बाद ये पर्पल कलर का बंडल देखने को मिलेगा, उसके साथ ही इसका फीमेल बंडल देखने को मिलेगा, काफ़ी तगड़ा बंडल है, काफ़ी नए नए बंडल आ रहे हैं इस बार। उसके बाद हमें ये वाला बंडल देखने को मिलेगा, इसका ही फीमेल बंडल देखने को मिलेगा, ब्लू रेडियो बंडल नाम है इसका। तो उसके बाद हमें गाइस ये वाला बंडल देखने को मिलेगा, ये वाला बंडल हमारे इंडियन सर्वर के अंदर डायमंड रॉयल में आया था, और ये वाला डायमंड रॉयल अभी चल रहा है हमारे इंडियन सर्वर के अंदर।
तो गाइस ये थे हमारे मैजिक क्यूब के बंडल जो कि अपकमिंग हमारे गेम के अंदर हमें देखने को मिल सकते, पर चांसेस काफ़ी कम है कि ये नए नए बंडल हमारे इन गेम के अंदर आए, इंडियन सर्वर के अंदर आए। और ये कब आएंगे बंडल इसको भी मैं बताऊंगा। ये वाला बंडल, ये सब बंडल हमें हमारे OB41 के अपडेट के बाद ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछले वाले जो बंडल थे वो भी OB अपडेट के दौरान ही आए थे, तो ये वाले बंडल भी उसी दौरान आएंगे OB41 के अपडेट के बाद। तो गाइस अगर आप लोगों को कोई नया इन्फॉर्मेशन मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सारे के सारे फ्रेंड्स को अपना ये वाला वीडियो शेयर करो। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।